फ्रेंड्स, आज ना हालत बहुत ख़राब है। मूवी देखने निकली और सडनली बारिश पूरा भीग गई। मैं गॉड, अभी भी अभी एसी गाड़ी में जा रही हूँ, उसके बाद एसी हॉल है। पता नहीं, बहुत ठंडा लगने वाला है। ये मौसम का पता नहीं क्या हो रहा है। एनी टाइम धूप, एनी टाइम बारिश, क्या क्या चाहता क्या है, आई डोंट नो, आई एम सो कन्फ्यूज। मतलब जूते में पानी घुस गया ना, आई एम लाइक सो इरिटेटेड। गॉड, फिर से पता, सामने अभी मेघ दिख रही है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन अगेन। बस जल्दी से हॉल पहुंच जाऊं और जब तक अंदर रहूं तब तक जितनी बारिश होना है हो जाए, आई डोंट केयर, बस जल्दी से हॉल में पहुंच जाऊं। और हाँ, आज मैं जुरासिक वर्ल्ड देखने जा रही हूं। बहुत दिन से वेट कर रही थी, तो मूवी का नाम बता दिया, जुरासिक वर्ल्ड। अभी फ्राइडे को रिलीज़ हुई एंड आई एम गोइंग टुडे टू वॉच इट। लेट मी सी हाउ इट इज़। ओके, बाकी की अपडेट्स पहुँच के। बाय। रीच आई नीड टू रश, आज लेट हो गया बारिश के चक्कर में। वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग यार, देर हो गया। हॉल तो पहुँच गई लेकिन इट्स ऑलरेडी 2:05, सो लेट। मोस्ट प्रॉब्ली मूवी शुरू हो गई, सिंस इट्स आरडीबी, सो इट विल बी ऑन टाइम एनीवेज। I got blisters. Gandi tarike se blisters hua hai pair. I was wearing new shoe, barish hui and I got blisters. God, pair chil gaya mera. Ouch. Ye pareshani aapko, you must have faced this trouble. Naye joota pehne se kitna blisters hota hai pair mein. God, दोनों पैर में तीन तीन बैंडेड। कैन यू इमेजिन कितनी गंदी हालत है मेरी। पूरा बारिश में भीग के, एक तो मेरा जूता भीग चुका है, जूता भीग के फुल गया है। आई एम नॉट एबल टू वेयर इट। ऊपर से नया जूता है तो और पैर में काट रहा है। आई डोंट नो, इट्स पेनिंग। दी मूवी इज फाइनली ओवर। एंटरटेनिंग मूवी थी, उतनी खास, उतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। इट्स वॉज ओके, एंटरटेनिंग, इट वॉज एंटरटेनिंग। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि लाइक वोल्केनो लावा के पास इतनी क्लोज रहने के बाद भी हाउ डज वन सर्वाइव। एक सीन में दिखाया लाइक द गाय, ही वॉज टू क्लोज टू द लावा, ही वॉज लाइक पैरालाइज लाइक कुछ देर के लिए, क्योंकि उसको सीडेटिव लग गई थी। तो ही वॉज पैरालाइज फॉर सम मोमेंट एंड ही वॉज लाइक उसके एकदम करीब लावा आ चुकी थी। एंड इतने करीब आके लावा की उतने हाई टेम्परेचर में हाउ कैन वन सर्वाइव, वो थोड़ा सा सीन अजीब सा लगा मेरे को। डायनासोर वाली मूवीज़ पहले भी जो इसके पार्ट्स आए थे, ओके ओके, इट वॉज फाइन, वन टाइम वॉचेबल। एटलीस्ट एक बार देख सकते हो इफ़ यू लाइक एंजॉय वॉचिंग एंटरटेनमेंट मूवीज, सो यू कैन वॉच इट वंस। लेकिन हाँ, इस मूवी के एंड में जो दिखाया कि दे दूँ थोड़ी सी इस मूवी में, इट्स लाइक एंडिंग थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी। थोड़ी सी आप जब देखोगे यू विल रियलाइज कि एंडिंग जैसा है।
जैसा एंडिंग किया वैसा अगर हम लोग सही में सोचेंगे तो क्या होगा, अगर सही में वैसा होने लगा कि लेकिन सच हैपेंस, सच थिंग हैपेंस, तब हाउ विल आवर वर्ल्ड बी, इफ ह्यूमन बीइंग और डायनासोर एक साथ एग्जिस्ट करने लगे तो क्या होने वाला है, कि लाइक आप बेलखानी में गए और आपको बगल में यू नो लाइक छत पे से आपको दिख रही है डायनासोर सामने, या फिर कहीं जंगल में गए एंड यू नॉट जंगल आई एम सो सॉरी किसी सेंचुरी में गए या जू में गए एंड यू गेट टू वॉच देम, सो हाउ विल इट बी लाइक वेजिटेरियन वाले उसके लिए तो ठीक है वेजिटेरियन डायनासोर जो है दैट्स फाइन, लेकिन जो रैप्टर्स थे हाउ टू डील विद देम, जो दिखाया है बाप रे एंड दे आर लाइक सो फेरोशियस, गॉड व्हाट विल हैपन जब टी रेक्स जैसे क्रिएचर्स और लाइक रैप्टर्स जो कि कार्निवोरस डायनासोर्स है दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट विद ह्यूमन बींग्स इन द सिटी लाइफ, तो मूवी में दिखाया गया है कि दे वॉन्टेड टू सेव द क्रिएचर्स, और मतलब अगर डायनासोर्स भी हुए स्टिल दे वॉन्टेड टू सेव इट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस जो जिस आइलैंड में, जो अगर आपको ये मूवी हाँ अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसके पहले वाला जो पार्ट था वो देख के आना, मैक्सिमम लोगों ने शायद देख ही लिया, पर अगर फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है जस्ट वॉच द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस पार्ट, तभी जाके ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो उनको बचाने के लिए जिस आइलैंड में वो थे वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है और उसको बचाने के लिए दे आर कमिंग टुगेदर टू सेव द रिमेनिंग डायनासोर्स, उनकी स्पीशीज़ को बचाने के लिए, तो लाइक एंड फाइनली दे लीव वो जो वो सिटी लाइफ में आ जाते हैं एंड कुछ कंसिक्वेंसेस ऐसा होता है कि उनको सिटी लाइफ में रिलीज करना पड़ता है। तो लाइक इफ टी रेक्स सडनली इट कम्स ऑन द रोड, जस्ट इमेजिन मैं बस इमेजिन के लिए बोल रही हूँ, इट्स अ मूवी, जस्ट इमेजिन कि अगर ये सही में रास्ते में आ गई तो वॉट आर वी गोइंग टू डू, ओके सो जस्ट वॉच द मूवी, जस्ट इन्जॉय इट, मैंने इन्जॉय किया, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो डायनासोर्स के, लाइक कुछ साउंड इफेक्ट्स मुझे अच्छे लगे, सडन साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे वो आई एन्जॉय, सो होप यू ऑल्सो एन्जॉय, ज़्यादा लॉजिक लेकिन नहीं, इफ़ यू वॉन्ट टू गो एंड गेट एंटरटेन जाके एन्जॉय करो, दो टू आर टेन मिनट्स की मूवी है, इट्स ओके यू कैन गो एंड एन्जॉय द मूवी। मूवी देख के मैं चॉकलेट पेस्ट्री खाने आ गई, ये आरडीबी के सामने केक्स खुला है एंड इट्स बहुत दिन से मन था, बहुत सुना है केक्स के केक बहुत फेमस है, दिस इज गणेश एक्सक्यूज मी दादा, इसका नाम की गैनस पेस्ट्री, ओके सो आई एम हैविंग दिस वन, ओके बहुत टेस्टी है, तो मूवी तो एंजॉय कर लिया, एंटरटेनिंग मूवी थी, अच्छी मूवी थी, इट वॉज गुड, ओके यू कैन कम एंड एंजॉय इट वन टाइम, पहली वाली बात देख के आना वरना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, एंड एंजॉय ठीक है, सैटरडे संडेज वीकेंड्स क्या करोगे, कम एंड एंजॉय द मूवी, यू हैव अ नाइस टाइम पास, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पॉजिटिवली लाइक शेयर एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, टिल देन कीप ऑन रिंग एंड स्टे हैप्पी, बाय। कितनी ज़्यादा चॉकलेट है, वाओ।